Hello and welcome to another session of astrology and technical analysis. आइए जानते हैं क्या कुछ है 1st November 2021 मंडे के लिए. Before that I would encourage you to read my disclaimer. Thank you. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेशन की कि हमने 29th अक्टूबर फ्राइडे के लिए क्या कुछ सोचा था, कहा था और क्या हुआ बाजारों में. हमारा कहना ये था कि बाजारों के अंदर अभी डाउन ट्रेंड है. मार्केट ट्राई टू ओपन अप और सस्टेन बट इवेंचुअली इट विल फॉल, सो स्ट्रेटेजी इज टू सेल ऑन राइज. ये हमने टाइम लेवल्स निकाले थे और ये हमारे पास प्राइस लेवल्स थे. इस ग्राफ के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से एक सस्टेनेंसी के बाद एक फॉल एक्सपेक्टेशन हो सकती है और ऐसा ही साइक्लिकल एनालिसिस में भी लगता था. So as predicted, Nifty went down from 185 points, close at 17,617. Nifty Bank future was also down 39,443, minus 252 points. So in this way, price, time levels, astro cycles, cyclical analysis, everything was followed by the financial markets. Now let's go to our technical charts to understand what is there in the charts, price charts. We will start with Nifty. Nifty, जैसा कि हमने देखा 17,671 के ऊपर क्लोज होती है और ये Nifty तकरीबन 100 डे के मूविंग एवरेज पर रेस्ट कर रही है. यहाँ पर निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे पास मैग्डी की लाइन है इसके अंदर काफी बड़ा गैप है और इसको फिल करते करते मार्केट को टाइम लग सकता है. आरएसआई लगातार हमारे पास इस लेवल से डाउन हो रही है और अभी फिलहाल हमारे पास कोई डाइवर्जेंस या किसी और प्रकार की कोई इंडिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है. एक डाइवर्जेंस छोटी सी हमारे को यहाँ पे लगती है कि ये एक पैरेलल पोजीशन, अपवर्ड पोजीशन है लेकिन मोमेंटम डाउन है. सो अगर हम इसको कंसिडर करके चलें तो भी हमारे पास मार्केट के अंदर अभी फिलहाल डाउन पोजीशन हमें नजर आती है. लेट्स गो टू वन आवर चार्ट टू सी व्हाट इज देयर इन दी वन आवर चार्ट. वन आवर चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है. देखिए ये निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर अभी निफ्टी है 17,600. इसको नीचे अगर ब्रेक करती है तो इसके पास जो मेजर पिवट आती है वो 17,331 की आती है. यहां से निफ्टी को वन आवर चार्ट्स में ऊपर चलने के लिए अभी कई रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा. एक मेजर टर्न एंगल ये भी है और हमारे पास अभी कई लेवल्स हैं जिनसे निफ्टी को गुजरना पड़ेगा. सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी अभी अगर डाउन जाती है और डाउन जाने क्योंकि निफ्टी की वन आवर चार्ट के अंदर जो आरएसआई का लेवल है वो 28 आ चुका है, दैट मींस निफ्टी अभी काफी कमजोर हो चुकी है. सो वी शुड बी लुकिंग फॉर ए टर्न अराउंड वेरी सून. मे बी अगर ये यहां से आकर चलती है तो, और ये राइज देने के बाद एक करेक्शन करके चलती है तो. सो इन एनी वे we should be looking for these type of patterns forming in the graph for Nifty. Let's go to Nifty Bank. Nifty Bank के अंदर important informations ये है कि Nifty Bank जैसा हमने आपसे बात किया था कि MACD के अंदर हमारे पास crossover बन चुकी है जिसकी वजह से हमारे को Nifty Bank कमजोर लगता था और ये crossover complete हो गई और हमारे पास बाजारों में एक बड़ी मंदी भी आई लेकिन 20 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर निफ्टी बैंक ने ये जिस प्रकार से बुलिश कैंडल की हैमर की फॉर्मेशन करी है, अगर निफ्टी बैंक 39,294 के लेवल को सस्टेन करने लग जाता है सो हमारे को निफ्टी बैंक के अंदर भी मंदी छोड़नी पड़ेगी. अदरवाइज अगर इस 20 डे मूविंग एवरेज से बाजार नीचे जाता है 38,762 और फिर इससे नीचे 37,999 यानी कि 38,000 के लेवल्स के ऊपर हमारे को निफ्टी बैंक का डेली सपोर्ट मिलेगा. निफ्टी बैंक के अंदर आवर्ली चार्ट्स के अंदर भी हमारे पास सेम पोजीशन बनती है. हमारे पास जितने भी गैप अप्स थे वो सारे फिल्ड हो चुके हैं. निफ्टी ऑलरेडी बैंक एक वन आवर के अंदर ट्रेंड एंगल के अंदर सपोर्ट कर रही है विच इज ए वेरी स्टीप एंगल.
निफ्टी बैंक नेचुरली अगर हमारे पास आवर्ली चार्ट में भी 38,747 के लेवल्स को अगर ये तोड़ता है, वी आर इन ए वीक पोजीशन। बट सिंस आवर्ली चार्ट्स के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को एक ट्रेंड या रिवर्सल का संकेत मिलना शुरू हो गया है और आरएसआई ने भी टर्न अराउंड कर दिया है, तो वी शुड बी वॉचफुल इन निफ्टी बैंक। सो दिस वॉज द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। नाउ लेट्स गो फॉर आवर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंड अगेन। इससे पहले कि हम विश लिस्ट के बारे में बात करें, 1st of November मंडे को एस्ट्रो फॉरकास्ट के हिसाब से चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी के अंदर है और लगभग 1 बजे पे वह उत्तर फाल्गुनी के अंदर प्रवेश करेंगे। इट मीन्स देर आर 2 पोर्शंस ऑफ द मार्केट, रादर इट कैन बी 3 पोर्शंस ऑफ द मार्केट, अप डाउन अप। बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बाजारों को यहां पर आकर एक बॉटम बनाकर चलने की तैयारी शुरू करनी है। सो उसके कुछ रीजंस भी हैं जो मैं इसे नेक्स्ट चार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे हिसाब से 19th October से निफ्टी के अंदर आता हुआ फॉल यहां पर थमना चाहिए। आई एंटीसिपेट टुडे एज ए टर्निंग पॉइंट। सो आज ये कितना नीचे गिरता है और वहां से कैसे रिवर्सल करता है इज द टेक्निक विच वी वॉन्ट टू सी। इंपॉर्टेंट चेंज इन ट्रेंड्स टाइमिंग्स आर 10:07, 11:30, 12:11, 52:00, 14:00। सो दीज आर दी टाइम लेवल्स विच वी आर लुकिंग फॉर एंड दीज आर दी टाइम एंड प्राइस लेवल्स फॉर निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इस चीज को क्यों एंटीसिपेट कर रहा हूँ, उसके कुछ रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं समझता हूँ कि वीनस का सेजिटेरियस के अंदर धनु राशि के अंदर प्रवेश, जो कि 31 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक रहने वाला है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन कर देता है। वीनस विच इज द प्लैनेट ऑफ द फाइनेंसेस एंड मनी। वीनस की जो ये यात्रा है ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव बन सकती है गोल्ड मार्केट के लिए, करेंसीज के लिए, बिटकॉइंस के लिए और आईटी और मीडिया फार्मा शेयर्स के लिए। खैर निफ्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऊपर की स्विंग बनाकर उसके बाद नीचे रहेगा, यानी कि जो ये डाउनफॉल आई है इसको एक करेक्शन मिल सकती है, उस करेक्शन के बाद ही डाउन जाएगा और फिर लगभग 19-20 तारीख जहां पर की चंद्र ग्रहण आता है वहां से बाजारों के अंदर दोबारा तेजी बनने की संभावनाएं बाजारों में शुरू होंगी। सो टेम्परेरली फॉर दिस वीक आई थिंक द निफ्टी मार्केट कैन गो अप। एस्ट्रोलॉजिकली भी आज का जो हमारे पास 1st of November का ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, यानी साइक्लिकल पैटर्न्स हमारे पास बनते हैं। साइक्लिकल पैटर्न्स जब भी बाजारों के अंदर एक बड़ी गिरावट या एक बड़े राइज के बाद बनते हैं तो वो बाजारों की ट्रेंड्स को इंडिकेशंस को बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब बाजार कहीं पे मूवमेंट्स लेना शुरू कर देगा, नीचे लोग मार लेंगे ऊपर काटेंगे, ऊपर वाल जिसने बेचा है वो बाजार चलने के ऊपर अपना सौदा रिवर्स करेगा, तो फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट विल कम। इसी तरीके से हमारे को इन्हीं टाइम लेवल्स के ऊपर से लगता है कि बाजार इनिशियल लेवल के ऊपर वैसे ही डाउन, डाउन के बाद फिर थोड़ा, फिर डाउन और फिर अप, जैसा कि तो दोनों हमारे पास मून चार्ट्स भी और हमारे साइक्लिकल चार्ट्स भी दोनों सेम बात हमारे को बताते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे को आज अपने विश लिस्ट में क्या रखना चाहिए और किन शेयर्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, इंडिया सीमेंट जब मैंने आपको 206 रुपए पे रिकमेंड किया था, अभी 206 रुपए का भाव है, अगेन इट इज इन माय रिकमेंडेशंस लिस्ट। आपको ध्यान होगा बायोकॉन मैंने आपको 337 पर रिकमेंड किया था, नाउ इट इज 351, आई एम स्टिल पॉजिटिव इन इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 331। मैकडॉवल्स अगेन sustaining 242, current market price is 245. TVS Motor again sustaining 650, now current price is 662, still I'm bullish in it. Dalmia Bharat again आपको ध्यान होगा मैंने आपको 1985 sustaining के ऊपर बोला था और अब इसका भाव 2012 है, still I think I'm positive in it. Can Bank 214 रुपए के ऊपर, stop loss 195 रुपए, ये एक ब्रेकआउट पैटर्न बना है फ्राइडे को विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक मेजर ऑपरेटर ने इसके अंदर स्टेक भी बल्क डील भी हुई है, सो यू कैन चेक इट आउट एंड इट इज ए स्विंग बाय। एस्कॉट्स आपको रिकमेंड किया गया था 1542 पे, अभी इसका करंट प्राइस 1569 है, स्टिल आई एम बुलिश इन इट। एक नया शेयर अभी
चार्ट्स पैटर्न्स के अंदर बन रहा है, विच इज आईबीएल हाउसिंग फाइनेंस, 216 रुपए पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 209 रुपए, वी कैन कीप एन आई ऑन इट, सो इट इज इन माई वॉच लिस्ट, एंड वॉच लिस्ट ऑन सेल साइड इज रिलायंस इफ इट गोज बिलो 2500, नेशनल एलम इफ इट गोज बिलो 95, मुथूट फाइनेंस अगेन, मैंने आपको 1480 के ऊपर बोला था, अब ये 1467 है, अगर अभी भी इसके अंदर मेरे को लगता है कि एक फॉल अभी बाकी है, पीएफसी इफ इट गोज बिलो 131 एंड दीपक नाइट्रेट इफ इट गोज बिलो 2185. तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग, डू योर ओन रिसर्च, कंसल्ट योर ओन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, रीड माई डिस्क्लेमर एंड रिमेन कनेक्टेड. अगर आपको लगता है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी या एनालिसिस इस मेथड से चाहते हैं, सो प्लीज राइट डाउन इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरी, एंड थैंक्स वन अगेन फॉर वॉचिंग.